दोस्तों, ग्रिल सैंडविच की आपने खूब सारी रेसिपीज ट्राई करी होंगी, लेकिन एक बार इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो चलिए आज बनाते हैं फ्रेंच ओनियन मशरूम ग्रिल सैंडविच की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू निशा स्टाइल्स। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी लेकर। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सैंडविच बनाना। सबसे पहले हम बटर लेंगे, बटर को पैन में डालेंगे और उसे गर्म होने के बाद उसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, और लहसुन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना ऑनियन। ऑनियन को मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से एक बार टोस्ट कर लेंगे। ऑनियन को हमें ब्राउन होने तक पकाना है, इसे ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन होने तक पकाना है। अब मैंने आधा कटोरी के करीब मशरूम लिया है, मशरूम को अच्छे से चॉप कर लिया है। मशरूम को हम पहले अच्छे से धो लेंगे और उसको भी रफली चॉप कर लेंगे। अब हमने प्याज और मशरूम को अच्छे से पका लिया है। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसमें आधा चम्मच के करीब हम डालेंगे सोया सॉस। अब हम इनको अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारी जो अनियन है वो कैरमलाइज नहीं हो जाती है। तो हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो स्टफिंग है उसे ठंडा होने के बाद ही आपको ब्रेड में फिल करना है। अब हमने दो ब्रेड स्लाइसेस ले ली है और ब्रेड पे हम अच्छे से बटर लगा लेंगे। बटर लगाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम ब्रेड में स्टफिंग भरेंगे तो हमारी जो ब्रेड है वो सोगी सोगी नहीं बनेगी, इसलिए ब्रेड पे एक लेयर आप बटर की ज़रूर लगाइएगा। बटर लगाने से हमारे सैंडविचेस जो बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनेंगे और उनमें बहुत ही बढ़िया सा क्रंच आएगा। अब हम 2 से 3 चम्मच स्टफिंग लेंगे और स्टफिंग को अच्छे से अपनी ब्रेड पे फैला देंगे, और उसके बाद हम मोज़रेला चीज़ लेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आप चाहो तो प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हो, और उसको भी अच्छे से अपने ब्रेड पे फैला लेंगे। हमारे सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप इसे चाहो तो बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। हमने तवे पे बटर लगा दिया है, बटर को अच्छे से फैला लेंगे, और जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इस पर हम अपनी ब्रेड को रख देंगे। अब हमें सैंडविच को इस तरीके से दबा दबा कर दोनों तरफ से सेकना होगा। सैंडविच को पलट लेते हैं और गैस को मीडियम ही रखेंगे, गैस को ज़्यादा हाई मत करिएगा। और जो तवे के किनारे पे बटर लगा हुआ है इस तरीके से हम ब्रेड पे लगा लेंगे, ब्रेड को इस तरीके से फैलाकर। तो ये देखिए, हमने दोनों तरफ से अपने सैंडविच को बहुत ही बढ़िया तरीके से सेक लिया है और इसका कितना बढ़िया कलर आया है। तो हमारा सैंडविच बनके रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे बीच से कट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया बना है। हम सैंडविच को इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे, और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि हमारा सैंडविच कितना ज़्यादा चीज़ी बना है, और इसकी चीज़ जो है वो कितने अच्छे से पुल आउट हो रही है, और साथ ही साथ इसकी जो फ्रेंच ओनियन की और मशरूम की स्टफिंग है वो कितनी बढ़िया लग रही है और कितने अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हुई है सैंडविच के। तो चलिए, हमारे ये ईजी पीजी सा और हेल्दी सा सैंडविच हो गया है रेडी। अब आप चाहो तो इसे ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हो, और चाहो तो बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हो। बच्चे बड़े ही खुश होकर इसे खाने वाले हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। बाय बाय।